स्वागत, अभिनंदन व वंदन। आप सभी साथियों का शिक्षक परिवार इवास में स्वागत है। टीजीटी पीजीटी के एस्पायरेंट्स जो बेसब्री से आगामी भर्ती का इंतज़ार कर रहे हैं, उनके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण खबर निकल कर आ रही है। पहली चीज, जो अधियाचन प्राप्त हुआ है उसके विषय में जान लें और उसके बाद में आगे की बात। अब तक टीजीटी में 5300 और पीजीटी में 2000 अधियाचन यानी रिक्त पदों का विवरण चयन आयोग को प्राप्त हो चुका है। कुल मिलाकर के 7300 भर्ती है। ये जो इंतजार है ये बहुत बुरी चीज है। मुझे कहना पड़ रहा है कि अभी हमारे सभी प्रतियोगी भैया बहनों को ये बेवजह का इंतज़ार करना पड़ेगा, जो कि बड़ा कष्टकारी है। जैसा कि दिख रहा था 10 दिन पहले कि नई भर्ती जल्दी आएगी, लेकिन ऐसा नहीं है। अभी आपको काफ़ी लंबा इंतज़ार करना पड़ेगा। उसके पीछे रीज़न क्या है, क्या सामने कारण निकल करके आ रहा है? चयन आयोग में जो सदस्य होते हैं 10+1, कम से कम जो कोरम है उसमें 50% से अधिक सदस्य होने चाहिए। अध्यक्ष के अलावा 5 सदस्य और थे और 500 सदस्य का कार्यकाल इसी अप्रैल माह में समाप्त हो रहा है। अभी इसी 8 तारीख को समाप्त हुआ। और जब ये 500 सदस्य बाहर हो गए, इनका ऑलरेडी 2 साल का एक्सटेंडेड पीरियड चल रहा था, तो अब जो गणपूर्ति कोरम होना चाहिए वो नहीं है। इस वजह से आपकी भर्ती में अभी कम से कम 1 से 2 महीने आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। लेकिन इसके साथ में ये बात भी जोड़ूंगा, कई बार कई विद्यार्थियों का मैसेज आ रहा था, हर स्टूडेंट को मैसेज में ये बताना संभव नहीं हो पाता, लेकिन मैं आपको इतना भी कहना चाहूँगा कि ये इंतज़ार तो लगभग 2 महीने का होगा ही होगा। 2 महीने से पहले कोई भर्ती नहीं आएगी, नए सदस्यों की नियुक्ति होगी, इसमें 1 महीने जाएगा और 1 महीने इसके बाद में भर्ती में लगेगा। लेकिन मैं इतना आपसे कहूँगा कि जो पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं वो लगातार कुछ ना कुछ पढ़ते रहें। ये कभी मत सोचिए कि जब फॉर्म आ जाएगा तब हम पढ़ाई शुरू करेंगे। कुछ ना कुछ, थोड़ा ही सही, एक क्वेश्चन ही सही, लेकिन आप प्रतिदिन पढ़ते रहिए। थैंक यू, बस इतना ही आज।